नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मसूद अजहर की पाकिस्तान को धमकी, महंगी पड़ेगी जैश पर कार्रवाई। कुख्यात आतंकी और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान को धमकाते हुए जैश ए मोहम्मद के ऑनलाइन मुखपत्र में लिखा है कि जैश के खिलाफ कार्रवाई करके पाकिस्तान सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो देश के लिए काफी खतरनाक है। उसने पाकिस्तान को भारत के दबाव में कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। लेख में मसूद ने कहा है कि मस्जिदों, मदरसों और जिहाद के खिलाफ उठाया गया सरकार का कदम पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये लेख उस समय प्रकाशित किया गया जब अजहर के हिरासत में लिए जाने की खबरें तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। अरुण जेटली को कांग्रेस की सलाह, मत बनिए नारद मुनि। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को सलाह दी है कि नारद मुनि मत बनिए बल्कि वित्त मंत्री बनिए। कांग्रेस की टिप्पणी जेटली के इस बयान पर आई है कि संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। वित्त मंत्री पर कांग्रेस और इसके नेतृत्व के बीच दरार पैदा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जेटली ने आर्थिक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री होने के बजाय जेटली नारद मुनि हो गए हैं, उन्हें नारद मुनि बनना बंद करना चाहिए और वित्त मंत्री बनना चाहिए। आईएस में शामिल होने जा रहे थे चार भारतीय सीरिया में गिरफ्तार। सीरिया ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की साजिश रच रहे चार भारतीय युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए सीरिया के उप प्रधानमंत्री वालिद अल मुलाउलम ने कहा कि चार युवक सीरिया में आए थे और उन्हें दमिश्क में हिरासत में लिया गया। वालिद ने कहा कि चार भारतीयों को दमिश्क में हिरासत में ले लिया गया, वे आईएसआईएस में शामिल होने की साजिश रच रहे थे और जॉर्डन से सीरिया में आ गए थे। हालांकि उन्होंने युवकों के नाम, उन्हें कहां से पकड़ा गया और कब हिरासत में लिया गया आदि जानकारी नहीं दी।